नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ, मैं हूं ललित प्रजापति। चौथे चरण के चुनाव का वक्त पास आ रहा है, चुनावी रैलियों का शोर तेज हो गया है और हम भी वोटिंग ट्रेंड को लेकर 2024 का मिजाज समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मंदसौर और देवास लोकसभा सीट का सियासी मिजाज बताएंगे, आखिर बीते चुनाव का वोटिंग ट्रेंड जीत का मार्जिन 2024 में किस तरफ का इशारा कर रहा है। दिलचस्प बात यह भी कि पूरे देश में चर्चा राम की है, श्री राम की है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं रावण के ससुराल की। मंदसौर लोकसभा सीट शिवना नदी के किनारे बसा यह शहर प्राकृतिक रूप से सुंदर है, साथ ही अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। यहां की राजनीति पूरे मालवा इलाके को प्रभावित करती है। रावण के ससुराल मंदोदरी का मायका, ससुराल के रूप में पूरे देश में यह पहचान रखता है मंदसौर। इतिहास काफी पुराना, पशुपतिनाथ मंदिर ये अद्भुत अद्वितीय दूसरा मंदिर है पूरी दुनिया में पंचमुखी। मंदसौर लोकसभा सीट पर 1989 से 2004 तक बीजेपी का एक तरफा दबदबा, इस जीत के रथ को 2009 में मीनाक्षी नटराजन ने रोका, लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि इसके बाद से फिर यह सीट बीजेपी के पास चली गई, 14-19 में बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। अब एक बार फिर सत्ता की लड़ाई है। बीते चुनाव के वोटिंग ट्रेंड और जीत के मार्जिन से 2024 के मायने समझने की हम कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, वो खास मेहमान आपके लिए सीट को डिकोड करेंगे। अब जो पिछला इतिहास रहा है वो जरा फटाफट देख लिया जाए, ये आ गई आपके सामने जानकारी। मंदसौर लोकसभा 2009 में 55% से ज्यादा वोटिंग, 2014 में 71% से ज्यादा वोटिंग, ये लहर वाला साल है, और 2019 उफान पर देश प्रेम, 77.89% वोटिंग मंदसौर लोकसभा में हुई। ये हो गए वोटिंग की स्थितियां कि किस तरीके से 2009, 2014, 2019 में वोटिंग हुई। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जीत का मार्जिन रहा, वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो किस पार्टी को कितने गए, जीत का मार्जिन समझ लीजिए। 2009 में 30,000 से ज्यादा की लीड, और जो मीनाक्षी नटराजन ने यहां पर पंजे को लेकर आई थी 30,000 की लीड, लेकिन 2014 में लीड बढ़कर 3,00,000 से ऊपर चली जाती है, और 2019 में और बढ़ोतरी 3,00,000 के ऊपर, 3,76,000 के ऊपर ये लीड चली जाती है। ये जीत का मार्जिन, अब एक स्क्रीन में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जीत का मार्जिन और वोटिंग परसेंटेज किस तरह से रहा, ये देख लीजिए। 2009 में 55% वोट, 30,000 की लीड मार्जिन, 2014 में 71% से ज्यादा वोट, 3,00,000 की मार्जिन, लेकिन 2019 में 77% वोट और मार्जिन 3,00,000 से ऊपर चला जाता है। मंदसौर लोकसभा एक साथ आपने देखा वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन किस तरीके से रहा है। अब हम आपको इसे और बारीक हम थोड़ा सा लिए चलते हैं, किस तरीके का जो वोट शेयर है वो एक बार समझ लीजिए। 2014 में 60% वोट बीजेपी के खाते में गए, 33.99% इसे आप आम बोलचाल में 34 मान लीजिए, आम बोलचाल में, गणित में मत जाइएगा, 33.99 यानी 34% अंतर रहता है 26%, लेकिन यह अंतर 2019 में बढ़ जाता है। बीजेपी के पास 61% से ज्यादा वोट चले जाते हैं, कांग्रेस के खाते में 34.37% और अंतर 27% पर आ जाता है। ये स्थितियां हैं मंदसौर लोकसभा। अब यहां पर मुकाबला किस किस के बीच है वो जरा हम एक बार देख लेते हैं, वो आपको दिखाते हैं। सुधीर गुप्ता इन पर दोबारा भरोसा, और दिलीप सिंह गुर्जर की तरफ से कांग्रेस पर भरोसा, कांग्रेस ने दिलीप सिंह गुर्जर पर भरोसा जताया। सुधीर गुप्ता, यही जो मार्जिन है पिछले बार का जो हम आपको मार्जिन बता रहे हैं वो मार्जिन सुधीर गुप्ता ही लेकर आए थे, रिपीट इन्हें किया गया। मुद्दे किस तरीके से रहे, चुनाव के मुद्दे क्या रहे, रोजगार कॉमन मुद्दा, उद्योगों की कमी, अफीम की खेती। अफीम की खेती का आलम यह है कि तोते तक यहां के नशेड़ी हो गए और वो किसानों के लिए कभी कभी बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। अफीम की खेती, तेलिया तालाब अतिक्रमण, तेलिया तालाब की खबरें आपने देखी होंगी, जब भी बारिश होती है हम इसका जिक्र जरूर करते हैं। इसके अलावा शिवना नदी में प्रदूषण, हम हमेशा आपको बताते हैं कि शिवना स्वयं पैर पखारने शिव के आती हैं, उनमें प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। अब जो हमारे मेहमान है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए उनके पास हम चलेंगे।
और सबसे पहले मंदसौर की स्थितियों को समझेंगे। अर्जुन सिंह चंदेल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्रदीप जोशी राजनीतिक विश्लेषक इससे पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मंदसौर सीट का हमने इतिहास बताया है, मुद्दों की हमने बात की है, वोटिंग ट्रेंड्स हमने बात की है, इसे देखते हुए अर्जुन सिंह चंदेल साहब सबसे पहले आपका प्रेडिक्शन मंदसौर को लेकर। नमस्कार सर। जी जी हम सुन रहे हैं सर आपको, प्लीज कंटिन्यू। देखिए मध्य प्रदेश इस समय बिल्कुल चुनाव के अंतिम चरण के मुहाने पर है, 13 तारीख को मात्र 72 घंटे दूर है। दो ही पार्टियां आमने सामने है, तीसरी पार्टी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है यहां पर। जी परंपरागत रूप से मंदसौर सीट को भारतीय जनता पार्टी की सीट कहा जा सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पूरे मध्य प्रदेश में इस समय मोदी फैक्टर ठीक एक पत्रकार होने के नाते मैं महसूस कर रहा हूं। ठीक पार्टी भी गौण है और प्रत्याशी भी गौण है। हाँ सिर्फ मोदी जी का चेहरा बताता हूं मैं सामने। ठीक पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने भी जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वो लोकसभा क्षेत्र गुर्जर प्रधान होने के कारण और गुर्जर मतदाताओं का रुझान गुर्जर प्रत्याशी की ओर होने के कारण मुकाबला कड़ा हो गया। जी जी मैं आऊंगा चंदेल सर आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा ऑडियो का भी इश्यू है वो टीम हमारी ठीक करा रही है। प्रदीप जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जोशी सर आपका प्रेडिक्शन मंदसौर को लेकर एक बात, दूसरी बात कि अफीम का मुद्दा, अफीम के बारे में जब पिछली स्टडी हमने बताई और मैंने पढ़ा तो बड़ी दिलचस्प बात है कि आपको जितना अलॉटमेंट है अगर उसमें कमी आएगी तो किसान की जिम्मेदारी है कि वो कहीं से भी उस अफीम की कमी को पूरा करे। तो मैं चाहूंगा अफीम के मुद्दे को छूते हुए मंदसौर का आपका प्रेडिक्शन हम जानेंगे सर। ललित जी पहले तो मंदसौर का जो मिजाज था वो शुरुआती जो मतलब हम काफी पीछे अतीत में नजर डालें तो एक राष्ट्रीय राजनीति के अंदर मंदसौर का कद बहुत ऊंचा था। कैलाशनाथ काटजू साहब जब कांग्रेस की लीडरशिप में थे नेहरू के खास हुआ करते थे और बालकवि बैरागी और भंवर सिंह लाल जी नाटा इनके जैसे कद्दावर नेता थे तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मंदसौर का एक कद हुआ करता था। वह जनता पार्टी के दौर में लक्ष्मीनारायण पांडे जी के जरिए ये थोड़ा ह्रास हुआ, खत्म हुआ, डाउन हुआ, कांग्रेस का पक्ष कमजोर हुआ मंदसौर में। और उसके बाद लगातार फिर जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक वर्चस्व रहा। 2009 में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के रूप में एक वापसी की थी बड़ी धमाकेदार और सनसनी के रूप में मीनाक्षी नटराजन जी यहां पर अवतरित हुई और उनसे काफी उम्मीद की जा रही थी क्योंकि टीम राहुल की वो बहुत खास अहम हिस्सा मानी जाती है। तो उनके से एक उम्मीद जागी थी कि मालवा निमाड़ का एक नेतृत्व जो है वो सीधे टीम राहुल के हाथ में आया है। पर अगला ही चुनाव वो जो है वो हार गई और उसके 2019 में तो उन्होंने पलायन ही कर दिया क्षेत्र से। तो अब चर्चा इस बात की है कि सुधीर गुप्ता जी की हैट्रिक बनेगी क्योंकि दिलीप गुर्जर जी के सामने तो अभी सबसे पहले तो पूरे क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का है। अकेले सिर्फ गुर्जर वोटों के माध्यम के सामने रखकर या उनको पे केंद्रित ध्यान केंद्रित करके और हम चुनाव में मैदान में उतरे तो बहुत लंबा अंतर वोटों का है जो पाटने की जिम्मेदारी दिलीप सिंह गुर्जर के सामने है। और रही बात अफीम के रकबे को लेकर जो पॉलिटिक्स होती है इसमें मैंने अभी तक ये देखा है कि दोनों दलों के स्टैंड बड़े डिप्लोमेटिक रहते हैं, वो मंचों से उठी की जाने वाली बातें कभी भी यथार्थ में किसानों के पक्ष में क्रियान्वित नहीं होती है और जो क्रियान्वित होती है वो उस पे लगभग दोनों दलों के नेताओं का स्टैंड समान ही दिखता है। ठीक 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 अर्जुन सिंह चल दे सर मैं एक बात आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, बॉर्डर एरिया का बड़ा इफेक्ट पड़ता है किसी भी जो बॉर्डर है बॉर्डर एरिया का अलग एक इफेक्ट होता है, अलग एक प्रेशर होता है, क्या वो भी चुनावों पर असर डालता है सर? सर मेरा ऐसा मानना है कि वह इतना महत्वपूर्ण इन चुनावों में नहीं। जी हाँ प्लीज कंटिन्यू आप बताएं, सुन रहे हैं आपको।
बॉर्डर एरिया की जहां तक बात करी है आपने, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि वह इन चुनाव में हाँ इन चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखता है। जी जी, बहुत ज्यादा असर इसका नहीं होगा। चलिए आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिए और देवास को लेकर फिर से मैं सवाल जवाब को लेकर इसी तरीके से प्रेडिक्शंस को लेकर क्या कुछ खास आप हमारे दर्शकों को बताएंगे इससे लेकर मैं आऊंगा। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला मालवा इलाके में देवास, देवास लोकसभा 2008 में देवास लोकसभा बनने के बाद 2009 में कांग्रेस के सज्जन वर्मा ने चुनाव जीता, हालांकि इसके बाद से बीजेपी के प्रत्याशी जीत दर्ज करते आ रहे हैं। देवास लोकसभा सीट की राजनीति इंदौर से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है। देवास का जो लोकसभा सीट का इतिहास है, वोटिंग ट्रेंड है, किसके हिस्से में क्या वोटिंग परसेंटेज है, वो फटाफट समझ लेते हैं और फिर हमारे मेहमानों के पास हम आपको लिए चलेंगे कि किस तरीके से इसे किसे देखना है। देवास लोकसभा 2009 में 60% से ज्यादा वोटिंग, 2014 में 70% से ज्यादा वोटिंग, 2019 की बात कर ली जाए ये परसेंटेज पहुंच जाता है 79 के करीब और 80% के आसपास। ये भी दरअसल एक रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार जो देखने में आया पहले दूसरे तीसरे चरण में बड़े हाँफ हाँफ कर आगे जा रहा है। ये देख लीजिए 2009 15,000 की लीड कांग्रेस के खाते में सीट, 2014 200,000 से ज्यादा की लीड बीजेपी के खाते में, 2019 300,000 से ज्यादा की लीड और सीट बीजेपी के खाते में रही। ये स्थितियां अब वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन एक स्क्रीन पर आपके लिए। 2009 में 60% वोटिंग, 15,000 की लीड, 2014 में 70% की लीड, 70% वोटिंग और 260,000 की लीड ये बीजेपी के खाते में, 2019 में 79% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है और जो जीत का मार्जिन जो जीत है वो 3.72 लाख तक पहुंच गया। अब जरा परसेंटेज आपको बता देते हैं कि वोट शेयर किस तरीके का रहा। 2014 की बात कर ली जाए 58% से ज्यादा बीजेपी के खाते में, 35% से ज्यादा कांग्रेस के खाते में, अंतर यहां पर 22% से ज्यादा का रहा। लेकिन 2019 में 26 तक पहुंच गया, 61% से ज्यादा बीजेपी के पास, 35% से ज्यादा कांग्रेस के पास, अंतर यहां पर 26% तक पहुंच गया। ये अब ये जान लीजिए कि मुकाबला यहां पर दरअसल किस किस के बीच है। महेंद्र सोलंकी एक तरफ है, दूसरी तरफ राजेंद्र मालवीय पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है परंपरागत तौर पर, चूंकि बीजेपी यहां पर मजबूत है और अब मुकाबला है महेंद्र सोलंकी बनाम राजेंद्र मालवीय का। दोनों जो खास मेहमान है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और चुनाव के मुद्दे, लेकिन पहले जान लीजिए कि किस तरीके से मुद्दे रहे हैं। चुनाव के मुद्दे हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए फटाफट, ये भी जान लीजिए। शिक्षा रोजगार ये कॉमन फैक्टर जो हर जगह हमें नजर आया, पलायन यहां पर एक बड़ा मुद्दा है, पानी यहां पर एक बड़ा मुद्दा है, मेडिकल कॉलेज और क्षिप्रा का शुद्धिकरण। क्षिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर हमने उज्जैन की जब बात की तब भी हमने बात की थी, पानी का मुद्दा और जैसे कि बार बार देवास ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंदौर के डोमिनेंस का ये शिकार हो गया है। इस तरीके से मुद्दे रहे आपने देख लिए। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अर्जुन सिंह चंदेल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, प्रदीप जोशी वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर चर्चा में आपको वापस लिए चलते हैं। अर्जुन सिंह चंदेल सर, देवास की स्थितियां हमने बताई हैं, हमारी गाड़ी जब चुनाव एक्सप्रेस पहुंची थी तब भी ये नजर आया कि कहीं ना कहीं इंदौर के डोमिनेंस में थोड़ा दबा सा रह जाता है देवास। इन सब के बीच आपका प्रेडिक्शन देवास को लेकर। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि देवास की सीट वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही। इस बार भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, परंतु इसमें एक पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने जैसा दिख रहा है, मतदाताओं के वर्तमान सांसद से नाराजगी। मैंने कई मतदाताओं से प्रश्न करा उनकी नाराजगी को लेकर, उन सबका यही कहना था चूंकि वह न्यायिक क्षेत्र से आए हुए राज्य और उन्हें राजनीतिक परिपक्वता और अनुभव की मतदाता कमी महसूस कर रहा है। जी मतदाता को जो मान सम्मान आदर मिलना चाहिए जी वह अपने सांसद से नहीं मिल पा रहा है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर कम होने की संभावना नजर आ रही है। जी
अंतर दूसरा एक बड़ा काम करेगा जो पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है जी, लाडली बहनाओं का जो विश्वास पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति था, यह चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी उन लाडली बहनाओं के विश्वास को कायम रख पाए हैं या उसमें कमी है। ठीक 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 प्रदीप जोशी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक जो बात निकलकर सामने आई कि नाराजगी थोड़े से मतदाताओं में है, इसके अलावा आपका प्रेडिक्शन एक, दूसरा पिछले बार तकरीबन 80% वोटिंग और इस बार के जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं वो आयोग के लिए, नेताओं के लिए और खुद पब्लिक के लिए भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ पा रहा है, ऐसा लग रहा खींच खींच के लाना पड़ रहा मतदाता को। प्रदीप सर प्लीज। मैंने लज्जे आपको कल भी बताया था कि हीट वेव एक बड़ी चुनौती है, मतदाताओं को घरों से निकालकर मतदान केंद्रों तक लाना एक प्रशासन की, जिला निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारियों की और सियासी दलों की ये सबसे बड़ी चुनौती है। वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में निश्चित रूप से कम होगा और इसका असर जो है वो वोटिंग परसेंटेज के ऊपर भी पड़ेगा, वोट का अंतर भी कम होगा। रही बात दोनों प्रत्याशियों की, तो महेंद्र सोलंकी जो है वो 5 साल उन्होंने काफ़ी सक्रियता से काम किया है और राजेंद्र मालवी जो हैं वो इंदौर से चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, पहले उन्होंने सांवेर से भी चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव हार गए। राधाकिशन मालवी के पुत्र हैं, उनकी एकमात्र उपलब्धि ये है, कभी सक्रिय राजनीति में देवा शाजापुर की राजनीति के अंदर वो एक जाना पहचाना चेहरा नहीं है। कास्टिज्म की बात करें तो बलई समाज के वोट का एक बड़ा वर्ग है, बलई समाज का वो बड़ा वोट बैंक है, तो उसके भरोसे पर राजन मालवी देवा शाजापुर सीट के ऊपर चुनाव लड़ने गए हैं, पर वो वोट कितने कम ले पाते हैं समाज के, क्योंकि समाज के वोट तो महेंद्र सोलंकी भी हाँ भी दावा करते हैं कि उनका प्रभुत्व है समाज पे, तो ये जो दो कारण हैं इसमें अब राजन मालवी के साथ में कांग्रेस जो है वो कितनी मेहनत कर पाएगी, कितने वोट दिला पाएगी, क्योंकि जब चुनाव सज्जन सिंह वर्मा पर्दे के पीछे इस चुनाव में है जी, तो मतलब या तो कोई चमत्कार ही होगा, बाकी नहीं तो नतीजों में हमें बहुत फेरबदल नजर नहीं आएगी, मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए इन सीटों को डिकोड करने के लिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, सवाल ये नहीं है कि 4 तारीख को क्या नतीजे आते हैं क्या नहीं आते हैं, पर आपको आज के भगवान आप हैं और आपको ये सब जानना चाहिए, इस इतिहास को जरूर समझना चाहिए, इसी वजह से हर दिन हम आपके लिए अलग अलग सीट डिकोड करते हैं। 4 जून को ये तमाम फैक्ट जो हमारे मेहमान गिना रहे थे इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं।